राजनीति में आज उस समय जबरदस्त उबाल आ गया जब आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वैभव गहलोत पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे हैं। वे दो साल पहले लगातार दूसरी बार आरसीए के अध्यक्ष चुने गए थे। सूबे में बीजेपी की सरकार के आने के बाद हाल ही में राजस्थान क्रिकेट की राजनीति उस समय गर्मा गई थी जब बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने चूरू संघ से निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होकर आरसीए की पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी। तो वैभव गहलोत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा सौंपने के दौरान ये बातें उनकी ओर से लिखी गई जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहा है किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की आरसीए को आगे बढ़ाने के लिए और जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव उनके लिए पारित किया गया उससे उन्हें अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान भी उनकी ओर से यही बातें दोहराई गई कि कई सारे काम उनकी ओर से किए गए जिससे कि आरसीए का विकास हो सके। देखिए जिस तरह से सरकार ने आपको ध्यान है सबको तीन दिन पहले भी जिस तरीके से आरसीए एकेडमी में और स्टेडियम के अंदर ताले लगाए, मुझे उस वक्त ही ये लगा था कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई बिना कोई समय दिए गए और आनन फानन में जिस तरीके से आनन फानन में ये कार्रवाई की गई, ये जांच कराएं वो, उसमें कोई तकलीफ नहीं। सरकार को पूरा अधिकार है कि वो जांच कराए, निश्चित तौर पे कराए अगर उनको ऐसा लगता है। मैं कह रहा था कि खेल के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर ये दुर्भाग्य है कि खेल के अंदर राजनीति की गई और सरकारें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, मगर राजस्थान में क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए एक अच्छी भावना के साथ मुझे उम्मीद थी कि सरकार रखेगी हमारे इन सब जो काम भी हमने शानदार किए हैं। और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के इस्तीफे के बाद जिला संघ पदाधिकारियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। नागौर जिला संघ सचिव राजेंद्र सिंह नांदू ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर आरसीए पर कब्जा किया गया था और अधिकतर जिला संघ को डराया धमकाया भी गया। हमने 5 साल संघर्ष किया लेकिन वैभव गहलोत 5 मिनट भी नहीं कर पाए। साथ ही कहा कि वैभव गहलोत ने कार्यकाल में क्रिकेट संघ पर भेदभाव से काम किए। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा। इसमें देखो ऐसा है, वैभव जी को आज सरकार बदलने का दोस्तपूर्ण बात कहाँ से आ रही है? वैभव जी का जन्म ही राजनीति से हुआ है। जब वो जोधपुर के रहने वाले थे और राजसमंद जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो मेंबर भी नहीं थे राजसमंद से और दादागिरी करके हमारे 3 जिला संघों को आउट कर दिया जब उनको यहाँ मेंबर बनाया गया था और हमको फोरम का भरने नहीं दिया। इतनी सारी लाठियां पड़वाई हमें फोरम भरने के लिए, निर्वोध करने के लिए, आज उनको राजनीति याद आ रही है। इसमें खेल में गंगानगर अलवर बांसवाड़ा 50 जने क्या पता कितने जिलों को भंग किया, वो कार्यवाही क्या प्रेम पूर्वक कार्यवाही थी? पूरी दुनिया को पता है रामेश्वर डूडी के साथ क्या हालात किए गए, किसी से छुपे हुए थोड़ी है। और आरसीए को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया है। गहलोत ने कहा कि हम चाहते तो एमओयू को बढ़ा सकते थे लेकिन हमने इसे सामान्य प्रक्रिया समझते हुए नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में आरसीए में अच्छा काम किया गया, आईपीएल अंतर्राष्ट्रीय मैच लाए। उचित नहीं है, प्रक्रिया होती है। अगर मान लीजिए आपको लगे एमओयू में था 15 साल का, वो 15 साल का एमओयू खत्म हो गया, हमारी सरकार चाहती तो 15 साल बहुत बढ़ा सकती थी, मैंने बढ़ाया नहीं क्योंकि रूटीन का काम चले। तो सरकार आती है, आप एमओयू नहीं बढ़ाओ कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आप प्रॉपर नोटिस देते, जवाब मिलता, आप टाइम देते, हम आपके जवाब संतुष्ट नहीं है, नहीं बढ़ना चाहते हैं, हम एक्सटेंड नहीं करेंगे और हमें फैसला करने सोचा साथ में खड़ी कर दी। और एक और बड़ी खबर अजमेर से सामने आ रही है। जेएलएन अस्पताल में रेसिडेंट डॉक्टर